दिल्ली से केजरीवाल सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन। जी हां, दिल्ली से ये बड़ी खबर। लगातार सियासी हलचल चल रही है और अब सीधा रुख करेंगे सुशांत मेरा का। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हल्ला बोल जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या खबर, क्या अपडेट? आशुतोष, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर बीजेपी का आक्रामक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर के यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर जो है वो बैठ गए हैं। लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो दे, इसको लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सांसद रमेश भिदुड़ी भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रदर्शन लगातार जारी, इस्तीफे की मांग। हमारी मांग है कि सिसोदिया को तुरंत गिरफ्तार करे सीबीआई। हमारी मांग है केजरीवाल से रिजाइन ले, वो इंक्वायरी को, वरना इफेक्ट करेंगे सत्ता का दुरुपयोग करते हुए। इसलिए हमें मांग करने के लिए आए हैं। हम लॉ अबाइडिंग पर्सन है, पुलिस ने हमें डिटेन किया है, हम डिटेन हो गए यहाँ पर। पुलिस आगे जेल ले जाना चाहे जेल ले जाए, लेकिन मनीष सिसोदिया जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक उसका रिजाइन नहीं होगा, हम चुप बैठने वाले नहीं है। पर सांसद रमेश भिदुड़ी सुन रहे हैं, बड़ी संख्या में देखेंगे यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जाए। दो बैरिकेडिंग तोड़ करके बीजेपी कार्यकर्ता आगे की तरफ आए थे, उनको फिलहाल यहाँ पर रोका गया है ताकि आगे की तरफ ना बढ़े। आप देख सकते हैं कि सांसद परवेश वर्मा तमाम जो ठीक है। सुशांत, आप नजर बनाकर रखिए, अच्छी खासी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, विरोध प्रकट कर रहे हैं।